तो गाइस कैसे हैं आप सब। मैं शुभम और आप देख रहे हैं शुभम गेमर। तो गाइस आज एक क्लैश ऑफ क्लैंस के वीडियोस में आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 इंडियन नूब्स इन क्लैश ऑफ क्लैंस। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो में मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो उसे प्लीज़ अपने दिल पर मत लेना, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ सब एक मजाक है और इसे फनी वे में लेना। हालाँकि अगर आपको लगे कि ये आप लोग ऐसा कुछ करते हैं तो मन ही मन थोड़ा सा मुस्कुरा लेना और ये वीडियो को लाइक करके चले जाना, है ना। वैसे तो अगर मैं क्लैश ऑफ क्लैंस की बात करूँ या फिर और अलग गेम के बारे में बात करूँ, नूब्स तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं और वो सब भी एक खेलने का अपना अपना अंदाज़ होता है। तो अपने अपने अंदाज में मैंने ही ऐसा कुछ 5 प्लेयर्स को ऐसा ढूंढ के जो लोग फनी वे में एकदम मस्त सा नूब गिरी कर देते हैं। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 1 नूब के साथ, जिसका हम लोग नाम रखे हैं हवस वाले नूब्स। बेसिकली ये लोग करते क्या है ना, ये लोग का कोई काम वाम होता नहीं है, घर में चादर ओढ़ के बैठे रहते हैं, करने को कुछ है होता है नहीं, और सोचते हैं गेम में टाइम पास कैसे करें, जैसे कि उनका जो भी मेन विलेज होता है उसमें सब कुछ अपग्रेड भी चलता है। तो ये लोग करते क्या, अपना गेम को रिस्टार्ट करते हैं और उसमें एक नया आईडी बनाते हैं और उसमें अपना मनपसंद एक लड़की का नाम लिख देते हैं और वहाँ पर ग्लोबल में जाते हैं और सबको बोलते हैं आई नीड अ क्लैन। और आपको क्या लगता है सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, अभी तो यहाँ से सब कुछ का शुरुआत होता है। अब यहाँ पर क्या होते हैं ना, यहाँ पर ग्लोबल में और सब जो लॉन्डे सब बैठे रहते हैं, जो लोग भी यही करते रहते हैं पर उनके पास इतना पहुंचा हुआ दिमाग नहीं रहता, तो वो लोग सोचते हैं अरे वाह ये लड़की यहाँ पर, चलो नाउ आई नीड अ गर्लफ्रेंड। और अपना जो मन का जो भी भरा से सब यहाँ पे चैट्स में लिख देते हैं, फालतू से फालतू जो भी मन में आता लिख देते हैं। आपको तो पता ही है ये सारे लोग, मतलब उनके पास तो सिर्फ कीबोर्ड रहता है, जो टाइप करना है लिख दो, इनको तो डर वर कुछ लगता नहीं है क्योंकि घर में बैठ के कुछ कर रहे हैं और क्लैश ऑफ क्लैंस में कौन इन्हें पकड़ के लाएगा। तो ये लोग ऐसे करते और इनको पता होता ही नहीं कि ये लोग एक्चुअली में एक लड़के से ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों एक बहुत बड़े नूब्स में तो बोलूँगा। तो गाइस कमेंट में मुझे ये बताओ कि ये दोनों का रिश्ता क्या कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे नूब्स पे, जो होते हैं चैम्पियन नूब्स। ये सब ना अलग टाइप के नूब्स होते हैं, ये लोग मतलब बहुत अपने में ना एकदम बहुत हुए प्लेयर्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये लोग एक्चुअली में करते क्या है, ये लोग अपने आप को लाइक उनका बेस होता है ऐसे छोटा मोटा और वो लोग कोई भी ग्लोबल में जाके बोलते हैं आई नीड अ क्लैन, फिर वहाँ पे कोई भी क्लैन को ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे जाके लिखते हैं हे, फिर हे लिखने के बाद ही आई नीड को, आई नीड एल्डर, आई नीड को, आई नीड एल्डर। और आपको क्या लगता है बस इतना ही, यही दो तो चीज़ ये लोग मांगते हैं? नहीं, पहुँचे वो प्लेयर्स सिर्फ इतना नहीं मांगते, पहुँचे हुए प्लेयर्स तो आप लोग देख लो वो लोग सब कुछ मांग लेते हैं, आई नीड लीडर ऑल्सो। तो यार मुझे ये समझ में नहीं आता, आप लोग सोचो यहाँ पे अगर आप लोग पहली बार जाओगे हे लिखोगे, हाय लिखोगे, कहाँ से हो, कहाँ से हूँ मैं, ये सब बात करोगे, या फिर हे आई नीड एल्डर, आई नीड को लीडर, फिर हो गया इतना आई नीड लीडर ऑल्सो। अरे ये क्या ऐसे लोग होते हैं, आपको शायद आपको पता ना हो, मुझे पता है ऐसे लोग आपको देखने को शायद अभी तक नहीं मिले पर लिटरली होते हैं। और कोई कोई लीडर भी ऐसा होता है कि वो लीडर भी दे देता है। तो ये सब लोगों के साथ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस उनको लास्ट में ये हो जाता है, यस ज़्यादा कचरा करेंगे तो लात मार के निकाले जाएंगे। क्या आपको लगता है ये सब बस हो गया, उनको समझ में आ जाएगा? नहीं, उनको कुछ समझ में आता नहीं है क्योंकि वो लोग वापस से ग्लोबल में जाते हैं, वापस से देखते हैं अरे ये इतना सारा इनविटेशन आया है, चलो हम लोग वापस से ये चीज़ को ट्राई करते हैं, और ये सब चलते रहता है। और अब आते हैं हमारे कूल बनने वाले नूब्स। तो ये बहुत ही अलग टाइप के नूब्स होते हैं, ये लोग गेम में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो लोग अपने स्कूल में भी क्या चलता है उसमें ध्यान नहीं देते, वो लोग ध्यान देते हैं तो दोस्त क्या कर रहे हैं, दोस्त टाउन हॉल 12 में है और मैं अभी टाउन हॉल 5 में हूँ, मैं अपना शक्ल कैसे दिखाऊँगा? नहीं, मैं नहीं दिखा सकता, मेरी बदनामी होगी, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, सब कोई बड़े बड़े लेवल के बात करते टाउन 12 टाउन 11 के बारे में और मैं वहाँ पे बात करूँगा टाउन 5 के बारे में, नहीं नहीं ये कभी नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगा, आज मैं घर जाऊँगा और मैं टाउन हॉल 1 से टाउन 11 तक से टाउन हॉल को अपग्रेड करके सबके लेवल पर आ जाऊँगा। इस तरह रश प्लेयर्स हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा बात करते हैं चालाक नूब्स के बारे में, जो लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, वॉर में अपना अटैक को एकदम छुप के रखते हैं, कभी अटैक नहीं करते और कोई भी क्लैन में जाके वॉर स्टार्ट कर देते हैं और जाके देखते रहते हैं क्या ये लेवल 1 का जो प्लेयर है वॉर में, क्या उसका टाउन हॉल साइड में है तो मैं अटैक करूँगा और उसका सारा लूट ले लूँगा और जो हमको वॉर विन बोनस मिलेगा वो कितना ज़्यादा होगा। तो वो लोग देखते रहते और जब तक उन्हें नहीं मिलता एक बेस तो तब तक देखते रहते और उन्हें एक्चुअली में एक बेस मिल जाता और वो लोग सोचते हैं हाँ ये बेस को हम लोग अटैक करेंगे, इसका सारा स्टोरेज वगैरह बाहर है, मैं एक एक आर्चर सारे जगह से भेजूंगा तो 50% तो हो ही जाएगा, ले 5 में मेरे मैं हुए एकदम 20 लेवल पे और यहाँ पे 5 लेवल पे मुझे एक टाउन हॉल 11 मिल रहा है और मुझे इतना सारा लूट मिलेगा तो मैं ये बेस को जरूर से
अटैक करूंगा और सारा लूट ले लूंगा। और इसी वजह से हम लोग का जो क्लैन होता है, बहुत सारे क्लैंस वार हार जाते हैं, क्योंकि ये सब चालाक नूब्स रहते हैं कोई कोई क्लैंस में, और वो लोग कहीं जहाँ तहाँ अटैक कर देते हैं अपने लूट के लिए और पूरा क्लैन को डुबो देते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट नूब के बारे में, जो है आखिरी नूब, और वो है नूब्स के बाप। ये लोग का कुछ हम लोग बोल ही नहीं सकते, मैं क्या कहूँ इन लोगों का। हम लोगों ने, यूट्यूबर लोगों ने इनको कितना समझाया है कि क्लैश ऑफ क्लैंस हैक नहीं हो सकता, क्लैश ऑफ क्लैंस में कोई चीट नहीं यूज़ कर सकते, नहीं तो आप बैंड हो जाओगे। पर ये लोग अलग ही टाइप के दुनिया में रहते हैं। अगर कोई भी अभी भी यूट्यूबर अगर कोई वीडियो बना देता है जहाँ पे दिखाता है ये देखो इतने सारे जेम्स आओ ले लो, और लिटरली सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, ये ऐसा इम्पॉसिबल। मैं आपको बता देता हूँ आज कि क्लैश ऑफ क्लैंस को कभी भी हैक नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं पता, आप लोग पूछोगे क्यों नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। फ्री में जेम्स नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस यू परचेस इट। आप लोग को परचेस करना ही सिखाया जाएगा, या फिर आपका कहीं ना कहीं से नेट काटना सिखाया जाएगा, तभी आपको फ्री में जेम्स मिलेगा। तो गाइज आज का वीडियो तो यही था, ये थे टॉप 5 इंडियन नूब जो सिर्फ शायद इंडिया में ही देखे जाते हैं, और भी ज़्यादा दुनिया में होंगे तो मुझे उनके उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा कंट्री है इंडिया, तो मैं इंडिया के बारे में बात करूँगा और ये सबको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि ऐसे प्लेयर्स होते हैं, तो जोर से ये वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कोई रीज़न से ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो तब भी ये वीडियो को लाइक करके ही जाना, क्या जाता है, एक लाइक ही तो दबाना है ना, क्या चल जाएगा, डिसलाइक दबा देते हो, लाइक कर देना मेरे को अच्छा लगेगा। और ऐसे ही बहुत से क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियोस अगर आपको चाहिए और बहुत सारे गेम्स की वीडियो मैं हर एक दिन लेके आता हूँ, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके सामने जो बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना, तो जब भी मैं एक नया वीडियो लाऊंगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और आप आके देख भी लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी मस्त के साथ, तो अभी के लिए बाय।